हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। आज की हमारी रेसिपी है फ्रूट आइस गोला। गोला जो होता है सबको घर में बहुत पसंद आता है, सभी लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन इसे हम किसी भी आर्टिफिशियल कलर या फ्लेवर के साथ नहीं बनाएंगे, बल्कि हम इसे बनाएंगे नेचुरल फ्रूट पल्प के साथ, जो पूरी तरह से हेल्दी भी होगा और जो सबको पसंद भी आएगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। फ्रूट आइस गोला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है जूस और फ्रूट पीसेस। ये है स्वीट लाइम का जूस और ये है वाटरमेलन। वाटरमेलन को मैंने जो पीसेस करके रख दिया है, और ये है मैंगोज़, और ये शुगर जिसको हम इसके मीठा करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं वाटरमेलन को ब्लेंडर में डाल रही हूँ। इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून शुगर। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत मीठा होता है। इसे हम अच्छे से ब्लेंड करके एकदम जूस बना देंगे इसका। ये हो गया है, अब मैं इसको इस बाउल में निकाल दूँगी। नेक्स्ट मैं डाल रही हूँ मैंगोज़। इसके अंदर मैं डालूँगी 3 टीस्पून शुगर। ये बहुत खट्टा होता है, इसके लिए इसके अंदर ज़्यादा शुगर डालनी पड़ रही है। इसे भी पीस के हम अच्छा पल्प जैसा बना लेंगे इसको। मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थिक लग रहा है। अच्छे से पीसेंगे और इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसके अंदर स्वीट लाइम का जूस। इसके अंदर हम जो चीनी है वो थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है। स्वीट लाइम यानी जो मौसमी होती है उसका जूस है ये। इसे भी हम मिक्स करके चीनी को पीस देंगे अच्छे से इसके अंदर। अब इसे भी मैं निकाल दूँगी। ये हमारे तीनों जो फ्रूट के पल्प और जूस है तैयार हो गए हैं। अब हम इसे डीप फ्रीज करेंगे, जब तक ये अच्छे से पूरी तरह से सेट नहीं हो जाए, हार्ड नहीं हो जाए। इसका हार्ड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अच्छे से इसका जो आइस क्रिस्टल है वो नहीं बनेगा। तो इसको हम डीप फ्रीज कर देते हैं, बाकी का काम हम इसके डीप फ्रीज होने के बाद। हमने जो फ्रूट जूसेस डीप फ्रीज करने के लिए रखे थे वो अच्छे से सेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरह से अच्छे से हार्ड हो गए हैं ये। अब मैं इनको थोड़ा हाथों से रब करके लूज़ कर लूँगी, ताकि जो है ये बर्तन छोड़ दे और आसानी से बाहर निकल आए। मेरे पास यहाँ पर गोला मेकर है, इसके अंदर मैं इसको डाल रही हूँ, ताकि हमें स्मूथ आइस क्रिस्टल मिले। ये देखिए कितना अच्छा पल्प निकल के आया है इसका। अब मैं इसमें वाटरमेलन डालूँगी, इसे भी हम इसी तरह निकाल लेंगे, और दूसरा जो फ्रूट है मैंगो उसको भी हम इसी तरह निकाल लेंगे, इसका पल्प जो है निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे क्रिस्टल बने हैं इसके। अब मैं क्या करूँगी, तीनों फ्रूटों को ग्लास में एक एक करके लेयर कर दूँगी। ये देखिए मैंने इन तीनों को लेयर कर दिया है, तीनों फ्रूटों को एक एक करके लेयर कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। आप चाहे तो अपनी पसंद की टॉपिंग भी इस पर डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस पर मैंगो और वाटरमेलन के छोटे छोटे पीसेस करके डाल सकते हैं। इसके ऊपर आप हनी डाल सकते हैं, मेपल सिरप डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे बनाने के लिए गोला मेकर का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर वो ना हो तो आप मिक्सी का जो ब्लेंडर होता है उसमें भी इस काम को आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप भी ये फ्रूट आइस गोला अपने फैमिली के लिए बनाइए, इंजॉय कीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।